दोस्तों, आपका साथी डॉक्टर त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9.2, एनसीईआरटी क्लास 11, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि टीके इज 7K प्लस। आपका टीके का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में 5K प्लस 1 है। टीके इज 5K प्लस 1 और आपको फाइंड करना है SN, सम ऑफ n टर्म्स। तो टीके से क्या निकाल सकते हैं आप? T1 निकाल सकते हैं, K की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करके। T2 निकाल सकते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट करके। T3 निकाल सकते हैं, T4 निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो T1 क्या आया आपका? T1 आया आपका 6, T2 आया आपका 11, T3 आया आपका 16, 21, ये एंड सो ऑन। ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको A कहें। इसका और इसका डिफरेंस T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, डिफरेंस चेक कर ले। 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 5, तो डिफरेंस आ गया आपके पास 5। SN निकालना है आपको, बेहद आसान काम। SN निकाल लेंगे N बाय 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह N ही रखना है, 2 इंटू A की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है आपका 5 का। बस अब ज़्यादा काम नहीं करना है, केवल सिंप्लीफाई करके रख देना है। आपका आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका n बाय 2 5n प्लस 7। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, वो भी काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में SN दिया हुआ है आपको, सम अप टू n टर्म्स दिया हुआ है। SN, SN की वैल्यू है आपके पास PN प्लस QN स्क्वायर। सम अप टू n टर्म्स की वैल्यू दी हुई है और P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, D इज क्वेश्चन मार्क। तो आपको याद हो कि TN क्या होता है? TN होता है सम अप टू n टर्म में सम अप टू n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऐसी सीरीज ले लें आप, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखें, S1 कितना है? 1 है। S2 कितना है? 3 है। S3 कितना है? S2 सम अप टू 2 टर्म्स 4 है। S3 कितना है? सम अप टू 3 टर्म्स है 9। S4 है 16। अब अगर आपने S4 में से S3 माइनस किया, S4 में से S3 माइनस कर दिया, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका? 7। क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया T4। अगर आपने S3 में से S2 माइनस कर दिया, सम अप टू 3 में से सम अप टू 2 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका S3 माइनस S2 आ जाएगा आपका 5। 5 क्या है आपका? T3। इसी तरीके से TN हो जाएगा आपका SN माइनस 1। तो SN कैसे निकालना है? SN तो दिया है आपको, तो SN तो ठीक है, PN प्लस QN स्क्वायर माइनस SN माइनस 1। तो क्या करें? P इंटू N माइनस 1 और Q इंटू N माइनस 1 स्क्वायर। ये इसका अल्टीमेट और सबसे सही तरीका है। इसके 2-3 तरीके और हैं जो कुछ लोग ट्रिक से करते हैं, पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो यही मेथड है। तो ये देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इससे हमें TN मिल जाएगा, लेकिन हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप चिंता ना करें, मेरे साथ रहें, बस
देखें अपने आप सब चीज़ें आएंगी। माइनस ब्रैकेट, इसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा पी एन माइनस पी, प्लस इसको ओपन करेंगे क्यू एन माइनस वन स्क्वायर को, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ब्रैकेट क्लोज। आप देखो पी एन से ये पी एन कैंसिल, ये क्यू एन स्क्वायर है, क्यू एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस पी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्यू एन स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। देखिए माइनस प्लस माइनस, पर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और क्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एन क्यू। आप ध्यान से देखें क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन कैंसिल, टी एन की वैल्यू आ गई टू एन क्यू प्लस पी माइनस क्यू। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, टी एन माइनस टी एन माइनस वन, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको मालूम है। तो टी एन में से माइनस कर दें तो टी एन इज़ वॉट टू एन क्यू प्लस पी माइनस क्यू में से माइनस कर दें टी एन माइनस वन को, तो टी एन माइनस वन कैसे निकलेगा, एन की जगह एन माइनस वन लिख देंगे तो निकल आएगा। अब देखिए टू, ये आप चाहें तो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू एन क्यू और प्लस पी माइनस क्यू, अगर आपने कैंसिल नहीं किया। अब इसको ओपन कर लें तो हो जाएगा माइनस टू एन क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस टू क्यू माइनस पी प्लस क्यू, तो ये पी से पी कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 2NQ से 2NQ कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2Q। ये था दोस्तों कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2Q, ये आपका आंसर है कि D की वैल्यू आएगी आपकी 2Q, यही आपका आंसर बनेगा कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2Q होगी। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। नेचुरली क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है हम सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, द सम ऑफ एन टर्म्स, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो। दो AP हैं, एक AP का सम मान लें SN है, दूसरी AP का सम मान लें SN डैश है, दो APs हैं और दोनों APs के सम्स का रेशियो 5N प्लस 4 अपॉन 9N प्लस 6 है। ये दोनों डिफरेंट APs हैं, दोनों डिफरेंट APs हैं, डिफरेंट APs हैं, डिफरेंट APs हैं, पर दोनों के n टर्म्स का सम का रेशियो, तो दोनों के n टर्म्स के सम का रेशियो तो इसका होगा n बाय 2, 2a इसका फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस इसका स्मॉल d मान लेते हैं। इसका अब पूछा क्या है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो पूछा है आपको कि उनकी 18th टर्म्स का रेशियो बताना है हमें, 18 टर्म्स का रेशियो बताना है, ये सम है, ये रेशियो सम्स का है और हमें क्या बताना है, हमें 18th टर्म्स के रेशियो को बताना है। तो देखें कैसे निकालेंगे आप, तो ये एक इसका है फर्स्ट टर्म का, ओ सॉरी, इस एपी जो ये एपी है एसएन जिसका सम है उसका फर्स्ट टर्म है, उसका कॉमन डिफरेंस है, ये सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म है, सेकंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम थी तो इसलिए दोनों में एन लिया, एन और एन डैश नहीं लेना बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम नंबर्स बट फर्स्ट टर्म इज डिफरेंट एंड कॉमन डिफरेंस
आर डिफरेंट। और इधर क्या लिखा है, 5n + 4, 9n + 6, क्लियर। तो अब ध्यान से देखें आप, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 18th टर्म्स का रेशियो। तो 18th टर्म का रेशियो तो आपके दिमाग में आ जाए कि 18th टर्म का रेशियो क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, आप चिंता नहीं करें 18th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो tn अपॉन tn डैश ये होता है a प्लस n माइनस 1 डी, और दूसरे वाले का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी। आपको कौन सी टर्म्स का रेशियो निकालना है, आपको 18th टर्म का निकालना है। तो 18th टर्म का निकालना है तो आप एक काम करें, ऐसा कर लें, यहाँ पे 18 लिख दें, यहाँ पे भी 18 लिख देंगे n की जगह, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 18 माइनस 1 17 डी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल a प्लस 18 माइनस 1 17 डी। तो इसमें क्या चाहिए, आप ट्रिक से चले, थोड़ा दिमाग लगा के चले, इसमें क्या चाहिए आपको, a प्लस 17 डी चाहिए, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है। तो आप एक काम करते हैं, मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी अपॉन 2 होल अपॉन, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, ये 2 से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस एन माइनस 1 बाय 2 कैपिटल डी ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा आपका 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब क्या चाहिए, अब उसके हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या चाहिए, उसके हिसाब से n माइनस 1 बाय 2 की जगह क्या चाहिए हमको, n माइनस 1 बाय 2 की जगह 17 चाहिए। तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n माइनस 1 बाय 2 को 17 अज्यूम करना पड़ेगा। तो n क्या हो जाएगा इस केस में, n हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, 17 टू जा 34, माइनस 1 उधर गया, तो n कितना हो जाएगा 35। तो मैं जब n की जगह 35 रखूँगा तब मेरे पास ये आ जाएगा। तो अगर मैं n की जगह 35 रखता हूँ तो आ जाएगा आपके पास a प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 डी। डायरेक्ट 17 भी रख सकते थे आप, a प्लस 35 माइनस 1 बाय 2 डी। अब आपको 35 यहाँ भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ n है, 5 × 35 + 4, 9 × 35 + 6, ये आपने रख दिया। अब ये क्या बन गया आपका, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये a प्लस 17 डी बन गया, ये क्या बन गया, ये भी a प्लस 17 डी बन गया, और राइट साइड में क्या हो गया, तो राइट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ये अब आपको बात समझ में आ गई है, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे निश्चित भरोसा है कि आपको बात समझ में आ भी गई होगी। अब ये 5 × 35 तो मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 30 = 150, 150 = 175, तो ये हो जाएगा दोस्तों 179, और 9 × 35, तो 9 × 35 के लिए आप ऐसा कर लें, 10 × 35 कर लें, 10 × 35 हो जाएगा 350 से माइनस 35 माइनस कर देंगे तो 315 हो जाएगा, 315 + 6, तो 315 + 6 आ जाएगा आपका 321। अब ये कुछ कैंसिल होता है, कुछ ये आपस में म्यूचुअली जो कैंसिल होंगे तो वो कैंसिल हो करके क्या वैल्यू आता है, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, आपको भी चेक करना पड़ेगा कि ये किन से आपस में कैंसिल होते हैं। तो आप इनको कैंसिल कर दें, और कैंसिल करके मैं एक सेकेंड आपको आंसर देख के बता देता हूँ कि क्या कैंसिल होना चाहिए इसमें, तो इसमें क्या कैंसिल होना चाहिए मैं आपको एक सेकेंड में बता देता हूँ, आप साथ बने रहें ये आंसर देख के।
ये एक्सरसाइज थी 9.2 और क्वेश्चन था 9। तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके एग्जैक्टली यही सेम है, 179/321, नथिंग इज चेंज्ड। ये मैं आपके सामने इसको मूव कर देता हूँ ताकि आप आंसर देख पाएं। ये नाइन्थ क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली यही आंसर है। आपके पास बुक होगी, यू मे वेरीफाई थ्रू। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा प्राइम फैक्टर जो आपस में कैंसिल हो रहा हो, तो क्या आपस में कुछ कैंसिल हो रहा हो और आपका आंसर आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक है, इट्स ओके। ये था, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर व्हाट, 9। तो आफ्टर 9 यू नो वी आर सपोज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आपने अभी खाली बैठे हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप कर लें, ताकि आपको 11th क्लास के सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, अप टू क्लास 12th JEE तक आपको मिलते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 10th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। तो मैं तो एब्रीविएटेड लिखता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ये हमको दोस्तों गिवन है और हमसे पूछते हैं कि फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। एस पी प्लस क्यू इज क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। फिर से आप क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्वेश्चन में जरा सी एम्बिग्यूटी नहीं है। आपको दिया है कि सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। ये किस में है, इन एन AP, इन एन AP, किसी में भी नहीं, AP में। तो AP में है, देखते हैं हम। तो SP क्या चीज़ है, SP है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, पी बाय टू, फॉर्मूला लगा दें, 2A प्लस पी माइनस, एक ही सीरीज है, एक ही सीरीज है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और जो पूछ रहे हैं उसको भी आप यहां पर लिख लें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि क्या कलाकारी करना पड़ सकती है। SP प्लस क्यू होगा पी प्लस क्यू बाय टू ब्रैकेट 2A प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1D, ये है। तो बस वो आप अपने दिमाग में रख के, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है उसमें कैंसिल कर दें, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर मैं आपको बोल देता हूँ कि P इज़ नॉट इक्वल टू क्यू होना चाहिए। नहीं है तो आप चिंता नहीं करें, आप अपने IQ का इस्तेमाल कर लेंगे तो भी हो जाएगा। P मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये हो जाएगा 2AP, P इसमें भी हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी डी, बाहर है, बाहर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लें 2AQ, बहुत छोटा सा सवाल है, अभी हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, क्यू मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप समझ लें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये देखें 2AP, और 2AP के पास में अच्छा लगेगा कि 2AQ लिखा जाए, लिख दिया, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी डी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2A, पी माइनस क्यू कॉमन, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, साथ साथ क्या आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, डी कॉमन। अब ध्यान से देखें, 2A पी माइनस क्यू प्लस, अब मैं जगह का मैनेजमेंट देख रहा था, इसमें से ध्यान से देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर बना दिए, कैसे फैक्टर बनेंगे, एक बन जाएगा पी माइनस क्यू
एक बन जाएगा आपका पी प्लस क्यू। इसमें से दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लें, माइनस वन अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, और डी कॉमन है इज इक्वल टू क्या है जीरो। जगह थोड़ी कम है, मैंने वहाँ कुछ लिख दिया है। आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो मैं देखो आप में सब बता देता हूँ, इसमें से p माइनस क्यू कॉमन ले लें। तो जैसे ही p माइनस क्यू आप कॉमन लेंगे तो एक बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा, बड़े से ब्रैकेट में पहली चीज बचेगी 2a। ओके, अब ध्यान से देखें, अब इसमें क्या होगा, इससे p माइनस क्यू बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू बच गया, माइनस इसमें से भी p माइनस क्यू बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1, तो ये 1 बचा। ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा है, d, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या है, 0। अब ध्यान से देखो, अब ये जो p माइनस क्यू है इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे हम, क्यों भेज देंगे, यही मैंने आपको बात कही थी कि p इज नॉट इक्वल टू q, ऐसा देना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं दिया तो ये अपने IQ से भी हम बहुत सारी चीज़ें क्लास 11th 12th में डिसाइड कर लेते हैं। तो p माइनस क्यू नीचे चला गया, तो p माइनस क्यू नीचे चला गया तो अब क्या बचेगा आपके पास, अब आपके पास बचेगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, देयरफोर sp प्लस क्यू क्या हो गया, p प्लस क्यू बाय 2, और ब्रैकेट में क्या चीज आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एक्सट्रीमली सॉरी ये स्मॉल a, तो ये सारी ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, sp प्लस क्यू, p प्लस क्यू टर्म्स का सम किसके बराबर आ गया आपके, जीरो के बराबर आ गया है, तो sp प्लस क्यू की वैल्यू जीरो हो गई। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10, लगभग जो घड़ी कह रही है कि अभी 22 मिनट का समय हुआ है, और अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, चाहता तो था मैं इसको कि इंडिपेंडेंटली करूं, पर मैं ये वीडियो को कम से कम 30 मिनट्स का बनाना चाहता हूं, तो मैं इसी रिदम में आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देता हूं। ये 11 भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा जाता है, एक अच्छी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, आप समझेंगे, बहुत आपका दिमाग तेज है, आप होशियार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एस पी सम अप टू पी टर्म्स ए है, एस क्यू सम अप टू क्यू टर्म्स बी है, एस आर सम अप टू आर टर्म्स सी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया है, और आपको जो प्रूव करना है, और ये सब कुछ एपी में है, इन एन एपी, ये सब कुछ एपी में, और जो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट, अब जगह कम है तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें कोई खास ऐसी चिंता की बात नहीं, क्वेश्चन देखने में ही थोड़ा बड़ा है पर आसान है। देखिए एस पी कितना है आपके पास, ए है, तो इसका इस सीरीज का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मत लीजिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए का जिक्र है, तो इसका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम कैपिटल ए, तो हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1, डी चाहें तो आप स्मॉल भी ले लें कैपिटल भी ले लें, नो प्रॉब्लम, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल a। एस क्यू इक्वल टू बी, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा q बाय 2, इसका भी फर्स्ट टर्म सबका एक ही होगा, क्योंकि ये सब एक ही सीरीज की बात हो रही है, इज इक्वल टू बी,
और SR इज इक्वल टू सी, इससे क्या लिखेंगे हम, इससे लिख पाएंगे R बाय टू 2A प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी। ये ए बी सी की जो वैल्यू दोस्तों इसमें रखना है, किसमें रखना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो मान लें इसका कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है। इसमें मैं अब इधर से, अब क्योंकि हमें प्रूव करना है तो मैं इसका ये इक्वल टू जीरो हटा देता हूँ, ये अब हमें लाना है, तो ये वैल्यू मैं सारी वैल्यूज वहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो जगह ज़्यादा लगेगी तो मैं ये सब भी मिटा दूंगा। तो आप एक बार और अपने दिमाग में बिठा लें, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से मैं हटा दूंगा। अब ए की वैल्यू रखते हैं, क्या है ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू ये है, क्या है स्मॉल ए की वैल्यू, यहाँ से चालू कर देते हैं। ए की वैल्यू है पी बाय टू अपॉन पी ब्रैकेट 2a प्लस पी माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज क्यू माइनस आर। मैं इसमें एक बहुत अच्छा मल्टीप्लिकेशन का आपको आसान तरीका बताऊंगा और आपका आंसर इतना बढ़िया आ जाएगा कि जिसका जवाब नहीं, बस आप देखते रहें। b की वैल्यू क्या होगी, q बाय टू क्यू ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज r माइनस पी, जगह फिर भी कम पड़ गई कोई बात नहीं प्लस। अब किसकी वैल्यू रखना है आपको, इसको अब हटा दूं मैं, हमने वैल्यूज भी रख ली लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू लगा दें। अब देखिए अब किसकी वैल्यू रखना है हमें, c की वैल्यू r बाय टू अपॉन आर ब्रैकेट 2a प्लस आर माइनस वन डी ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा p माइनस क्यू। अब ये हमें जीरो के इक्वल टू इक्वल प्रूव करना है, तो देखें अब कैसे प्रूव होती है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरकीब बताता हूँ। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके प्रूव कर ही देंगे, ये p से p को कैंसिल कर दें, q से q को कैंसिल कर दें, तो थोड़ा मन में हल्का हल्का महसूस होगा, और बिल्कुल चिंता नहीं करें। कोई डाउट हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर 9685698056 इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब इज इक्वल टू वन बाय टू, अगर आपको कोई बात लगे तो देखिए, इसमें वन बाय टू, उसमें वन बाय टू और इसमें वन बाय टू, सब में कॉमन है। अब आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। मैंने एरो भी इस ढंग से बनाए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 2a किससे होगा, तो 2a के लिए मैंने एरो ऐसा बनाया है, तो 2a किससे होगा, तो 2a होगा, देखो ध्यान से 2a होगा q माइनस r से, r माइनस p से, p माइनस q से, ये 2a का मल्टीप्लीकेशन है। ये सारे कैंसिल हो गए होंगे, आप देख ही रहे होंगे, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, तो 2a इंटू जीरो आ गया प्लस, अभी मल्टीप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ प्लस। अब ध्यान से देखो, अब p माइनस वन डी इससे होगा, q माइनस वन डी उससे होगा, उसमें से d कॉमन निकल जाएगा, तो जब d कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा p माइनस वन q माइनस आर प्लस q माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, सब कुछ क्लोज। अब ध्यान से देखें, ये तो आपका क्या हो गया है 2a इंटू जीरो, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें केवल एक ही चीज़ की समस्या रहती है, जगह की,
तो बस इट इज अबाउट टू बी प्रूव्ड, बस होने वाला ही है, हो जाएगा 1/2 2n2 0 0 d। अब इसमें भी उसी मछली जैसा p इससे भी होगा, माइनस वन इससे होगा, q पूरा इससे होगा, माइनस वन इससे होगा, r इससे होगा, माइनस वन इससे होगा। तो पहले मैं नीचे नीचे वाले को लिख देता हूँ, तो ये हो गया p, ये देखो ब्रैकेट, p किससे होगा, p होगा q माइनस r से, q किससे होगा r माइनस p से, r किससे होगा p माइनस q से, माइनस वन किससे हो रहा है तो माइनस वन को कर दो, माइनस वन हो रहा है q से तो माइनस q, माइनस वन r से हो रहा है तो प्लस r, माइनस वन r से हो रहा है, माइनस वन p से हो रहा है, माइनस p से, माइनस वन p से हो रहा है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहां क्लोज, ये तो जीरो हो गया, इसको भूल जाएं, प्लस जो डी के साथ में बचा है इसको भी ओपन कर लें आप, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस पी क्यू, और ये हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये पी क्यू है, ये पी क्यू, सॉरी एक जैसा बनाना था, चलो अब कैंसिल कर दिया, तो ये पी आर से ये पी आर कैंसिल, और ये क्यू आर से ये क्यू आर कैंसिल, तो आपके पास आ गया डी इंटू ज़ीरो, 1/2 डी इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो। तो दोस्तों ये इसका प्रूफ था, इज इक्वल टू आ गया आपके पास ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर, क्या था ये क्वेश्चन नंबर था 11। हमने इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किए हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैनल को मालूम ही आपको क्या करना है, और मेरी बेस्ट विशेस हैं, ऑल द बेस्ट।